वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ द हरप्रीत सिंह शो थोड़ा मेरा साथ होंद है मंडे टू फ्राइडे सवेरे सात तो लैके अठ बजे तक मंडे टू थर्सडे रात को दस तो लैके ग्यारह बजे तक ਅਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪੈਅਰ ਹੋ ਸਕੀਏ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਅਜੀਜ਼ ਬਲੂਚੀ अजीज बलो कोऑर्डिनेटर ने इंटरनेशनल वॉयस फॉर बलुचिस्तान के आओ उन्होंने को जानकारी लें हालात ने की मंग कर रहे हैं तो किस तरीके सिचुएशन जो है इस प्रति इंटरनेशनल अवेयरनेस है वेलकम टू द प्रोग्राम थैंक यू शुक्रिया so, अजीज जी आप जो ऑर्गनाइजेशन रिप्रजेंट करते हैं इंटरनेशनल वॉयस फॉर बलुचि मिसिंग परसन तो ये क्या संस्था है क्या और क्यों बनानी पड़ी है जी हाँ इंटरनेशनल वॉयस फॉर मिसिंग की मैंडेट जो है वो बलूचिस्तान की सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से उनको हाईलाइट करना है इंटरनेशनली और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनसाइड विद इन बलूचिस्तान देर इज़ ए वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सनस ओके और वो एक एन है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है कोटा में और इसके अंदर जितने भी लोग शामिल हैं वो सारे एबडक्टेड बलूच फैमिलीज़ हैं okay. किसी का भाई गायब है किसी का बाप किसी हुँ. की आ, किसी का बेटा right. या किसी का कजन रिश्तेदार तो आ, वो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हुँ. हमारी जो क्वालिशन है मकसद सिर्फ यही है कि जितने भी उन वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन के मुताबिक टू थाउजेंड से लेकर हुँ. आज 2014 तक 18,000 बलूच आर एडिक्ट okay. और इनमें आपको ज्यादातर स्टूडेंट्स और इनमें डॉक्टर्स इंजीनियर्स और लॉयर्स ओके पॉलिटिकल लीडर्स सोशल एक्टिविस्ट ऑल देयर हु इज डूइंग दिस क्या तालिबान है या कौन कर कौन रहा अबडक्शन कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है जी हाँ दरअसल दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें रूट कॉज का जी. पता होना चाहिए mm -hmm. तो रूट कॉज यह है कि 1947 जी uh, जब بلوچستان uh, खलात स्टेट और उस हुक्मरान खान अफ खलात तो ने अपने जमहूरी पार्लियामेंट और अपर लेवर और लोअर लेवर, लेवर उनसे यही पूछा कि आप लोग फैसला कर लें कि अभी आप लोग बलूचिस्तान की स्टेटस को किस हवाले से आप इसको मज़दाते चाहते हैं, चाहते हैं। तो फरीद हरफरीत साहब तो उस वक़्त तो उन लोगों ने यही फैसला किया यूनि आइनी तौर पर और जमहूरी पार्लियमानी मंबराज ने कि हम बलूचिस्तान की स्टेटस को आज़ाद हैसियत से रखना चाहते हैं okay. और इसकी कटिंग आज भी मौजूद है न्यूयॉर्क टाइम में कि बलूचिस्तान वांट्स टू स्टे इंडिपेंडेंट और इसके अलावा तो उस वक्त कायदाजो मोहम्मद अली जिन्ना वो का, आ, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था तो उसने खान अफ़कलात जो कि बलूचिस्तान का रूलर था उस पर प्रेशर डाला कि आप बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अंदर शामिल कर दें ओके तो क्या हुआ कि खान अफ़कलात ने जाती तौर पे इंडिविजुअली एज ए रूलर इंडिविजुअली जाकर एक्सेशन ऑफ एक्सेशन ऑफ बलोचस्तान के कागजात पे दस्तखत कर लिया okay. लेकिन यहाँ मेरा मकसद सिर्फ जस्ट टू कंक्लूड इन शार्ट यहाँ पे बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंट जमहूरी mm -hmm. मेंबर पार्लियामेंट की और आइन की खिलाफ वर्जी हुई mm -hmm -hmm. और फिर नाइनटीन फोर्टी एट में इस फैसले के साथ ही पाकिस्तान आर्मी ने आकर बलूचिस्तान पे बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया ओके। okay. तो हमारी जो जो बलूच हिस्ट्री है जी. और बलूच लीडर्स जितने भी हैं सेकुलर राइट ऑफ स्कूल, उनकी पोजीशन यही है कि बलूचिस्तान को जबरी तौर पर कब्जा कर लिया है okay. जी हां, ये और ये आप इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं हम इंडिपेंडेंस नहीं बल्कि अपनी वी वीट इट बैक राइट ये हम अपने आप को सेपरेटिस्ट नहीं कहते राइट सिमिलरली right. थोड़ा सा कश्मीर में भी जो कुछ हुआ था जैसे वहाँ के राजा एक हिंदू थे उन्होंने भारत के साथ एसोसिएशन कर लिया यहाँ पे जो आपके उस समय के राजा थे उन्होंने पाकिस्तान के जाना साथ जो कबूल किया जी हाँ बलूचिस्तान के अगर मैं आपको बैक टू हिस्ट्री ले जाऊँ थोड़ा सा इतिहास को हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों को पता लगे पर उसके साथ ये भी थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या पश्तून लोग जो हैं क्या उनका क्या ये शिया सुन्नी का जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में क्या वो एक मेजर कारण है कि आप अलग रहना चाहते थे नहीं हम अगेन आई एम जस्ट मेक इट वेरी क्लियर वी वर इंडिपेंडेंट स्टेट वी जस्ट वी आर यू वांटेड टू मेंटेन वी वांट टू मेंटेन ओके हैज अभी आपने ले आया तालिबान की इशू और वहां पे जो हजारा हैं उनका इशू तो मेरी सबसे मेरा ये क्वेश्चन mm -hmm. uh, अपने साउथ uh, एशियन नाजरीन से ये है mm -hmm. कि वो इसकी असल रूट्स ये पूछें कि तालिबान तहरीक जो है नहीं, नहीं। अभी कोयटा में जो कोयटा शूरा मौजूद है कई सालों से राइट उसकी सरप्रस्ती कौन कर रहा है ये क्वेश्चन हर कोई ढूंढ ले और दूसरी बात है वहाँ पे एक और रेडिकल फ्रांटिक ग्रुप है तालिबान के अलावा वो है लश्कर जंगुई ओके। वो लश्कर जंगुई जो है वो अभी मासूम अकलीत हज़ारा की कत्ल आम में नसकुशी में शामिल है और यही लश्कर जंगुई बलूच से, सेकुलर बलूच एक्टिविस्ट को उठा के फिर उनकी मशुदा लाशें पहाड़ों में बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जगहों में फेंक रहा है वो क्यों कर रहे हैं क्या वो सरकार के साथ है? जी हाँ आ, अभी इट्स वे आई आई वुड लाइक टू तो से दैट अगर मैं आपको बैक टू हिस्ट्री 1971 में पाकिस्तानी आर्मी की पॉलिसी में आपको यहाँ पे बयान कर लूँ तो उस वक्त जब पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश में गया तो वहाँ पे एक मशहूर ग्रुप उसने निकाले दो अलबद्र औरशम्स अल और आज पाकिस्तान आर्मी उसकी आईएसआई, उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में बिल्कुल वही अलशम्स और अलबदर की तरह अपनी ये ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए हैं उनको बाकायदा उन्ही की सपोर्ट है बलूचों को यही अलशम्स और अब आज की right. आ, लश्कर जंगुई की शक्ल में हमारे जितने भी ये एक्टिविस्ट हैं उनको अपडेट कर, कर रहे हैं और उनकी इन कस्टडी फिर उनको उठा के मारते भी हैं इसके बारे में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक वापस आके कि क्या इसको आपने इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशंस तक आप लेके गए और सेकेंडली क्या बलूचिस्तान जो लोग बलूची लोग जो हैं क्या वो एकजुट हैं या आप में भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो जो सरकार के साथ हैं और जो ये सोवरेनिटी की बात करते हैं इस बारे में बात करते हैं इस ब्रेक के बाद ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੀਜ਼ ਬਲੂਚੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੂਚਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਲੂਚੀ ਲੋਕ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਜੋ ਸੋਵਰਿਨਿਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੁੱਪਵਾਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲیں۔ ਜੀ ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਕਾ ਕਿ आप पहुंचे संयुक्त राष्ट्र के पास क्या उनको मालूम है कि ये क्या हो रहा है वहाँ पे? जी हाँ आपने क्वेश्चन कर लिया इंटरनेशनली हमने किस हद तक इसको हाईलाइट कर लिया तो इंटरनेशनली हरप्रीत साहब ह्यूमन राइट्स वॉच <laughs> जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, है एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन है <laughs> पाकिस्तान <हुमेर राइट्स> कमीशन <laughs> ये इन सब ने अपनी सीरीज ऑफ रिपोर्ट बलूचि के ह्यूमन राइट्स के हवाले से रिलीज कर लिए हैं जी और चूंकि मैं खुद ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखता हूं तो यूएन में आ, एक आ, उनकी इंस्टीट्यूशन है वो यूएन वर्किंग ग्रुप जो कि डिसअपियरेंस इनफोर्स डिसपियरेंस के हवाले से वो हर कंट्री में मॉनिटर करते हैं तो हमारी कंटिक्ट भी है उनसे मैंने खुद काफ़ी अपडेक्टेड केसेस मैंने रजिस्टर कर लिए क्योंकि फॉर द प्रूफ हम हमने हम फैमिलीज़ के शनाख्ती कार्ड हों उनके फैमिलीज़ के कॉन्टेक्ट नंबर हों कहाँ से उनको अपडिक्ट किया गया है right. और कहाँ से आ, उनकी रेजिडेंस क्या है hmm. ये सब इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है यूएन वर्किंग ग्रुप से हम, हम हमने सबमिट किए हैं right. और so, यही यू वर्किंग ग्रुप ट्वेंटी ट्वेल्व को okay. पाकिस्तान में गई उनकी टीम okay. और ख़ासकर बलूचस्तान में कोयटा right. तो वो बलोच जितने भी गुमशुदा फैमिलीज हैं उनसे मिले और उनकी इंटरव्यू ली डॉक्यूमेंटेड किया और उनने रिकमेंडेशन भेजा गवर्नमेंट कहा गवर्नमेंट पाकिस्तान क्या कहा गवर्नमेंट तो वो उसने ये रिकमेंड भेजा ये 2012 की बात मैं कह रहा हूँ अभी 2014 है लेकिन आज तक गवर्नमेंट पाकिस्तान पे कोई इम्पेक्ट नहीं हुआ है नहीं। और इसके अलावा जितने भी मेंबर्स गुमशुदा फैमिलीज़ हैं सबका पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इश्खार मोहम्मद चौधरी उसने काफ़ी सुप्रीम कोर्ट में हयरिंग की बलूच फैमिलीज वहाँ पे मौजूद रहे उन लोगों ने कोऑपरेशन किया गवाह पेश किए अपने स्टेटमेंट भी दिए लेकिन आप यकीन करें चार साल से वो कोयटा प्रेस क्लब कराची प्रेस क्लब इस्लामाबाद यहाँ दौड़ते दौड़ते अपने फैमिलीज के साथ लेकिन आज तक उनको इंसाफ अपने प्यारों के बावजूद उनको नहीं मिला ओके okay, और क्या सारे ही बलुच लोग इकट्ठे हैं या कुछ सरकार के साथ भी नहीं, नहीं वहाँ पे ऑबियसली टू थाट ऑफ स्क्यूल एग्जिस्ट राइट जिस तरह आपने कहा Uh, वहां पे पार्लिमानी पॉलिटिक्स भी हो रहा है जी. Uh, पाकिस्तान के हवाले से हुँँ. और uh, 20, 2000 से लेकर आज हुँ. जो मैं कह रहा हूं दस साल से नवाब अकबर खान बुकटी फार्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचस्तान उसने मोर देन फिफ्टी ईयर्स पाकिस्तान के साथ पीसफुली आठवीं के हवाले में स्ट्रगल की लेकिन उसका एंड आप देखें ही वॉज द मोस्ट पावरफुल ट्राइबल चीफ इन बलुचिस्तान और इस्लामाबाद को पता था और लेकिन इसके बावजूद जनरल मुशर्रफ ने अपने रूल के वक़्त पाकिस्तानी जर्नलों ने उसको असेसिनेट कर लिया लेकिन इसके बाद जो इट वॉज कम्प्लीटली ए बिग वे ऑफ चेंज बलूचिस्तान में बलोच तारीख में आ, एक इनकलाब आई right. तो अभी मेजॉरिटी मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ right. वो यही चाह रहे हैं कि हम अपने आजादाना स्टेटस वापस लेना चाहते तो उसमें आज़ादाना स्टेटस जो है जो राइट्स मिले हैं जो आपको बेनिफिट्स हैं और जैसे स्पेशल जो रूल्स आपके लिए बनाए गए हैं वहाँ पे तो क्या आप समझते नहीं कि वो इनफ हैं कि क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर वहाँ पे जी रहे हैं आप अच्छे तरीके जी, से गवर्नमेंट जो है वो कहती है हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं वो ये सब चीज़ें जो हैं तो इससे क्या आप समझते नहीं कि आज के इस युग में क्योंकि एरिया बड़ा स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है और इसकी कोई भी जो है नहीं चाहेगा कि वो इलाका अलग हो जाए तो उसको मुख रखते हुए आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर क्या है क्या हो क्या रहा है मैं आपकी फर्स्ट क्वेश्चन के हवाले से सिर्फ शॉर्ट जी क्योंकि टाइम बहुत मुख्तर है आ, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं अगर एक स्टेट बलूच कौम की ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करे ह्यूमन राइट्स जो कि बेसिक राइट्स है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट फ्रीडम ऑफ मोमेंट तो वो स्टेट कैसे बलोचों की जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनकी इकतसादी उनकी समाजी उनकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें गैस है सोना है चांदी है मार्बल है और ह्यूज समंदर जी, जी. है उन वो वसाइल जो पाकिस्तान 64 फोर ईयर्स से उसके आर्मी और इस्लामाबाद एट द गन पॉइंट उनको लूट रहा है हुँ, हुँ, तो वो कैसे उनको देगा जबकि वो हमारी ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है तो और दूसरी बात ये है कि ये एक्सपीरियंस बलोच लीडरों ने कर लिया है राइट और वो वो अभी वो खुद कह रहे हैं कि वी वी रीच टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हमें स्टेट ने खुद यहाँ तक पहुँचाया है हमें कॉर्नर कर लिया है आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे कैसे और ये आवाज़ जो है जो है आप कहते हैं कि दबाई जा रही है आपके कल्चर को बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं और ये जो लोग लापता हैं इनके लिए क्या किया जा सकता है आ, इनके लिए आ, मैं यही कहता हूँ कि हमारी बलोच माएँ बहनें और 10 साल के बच्चे से लेकर 72 टू ईयर्स एटी ईयर्स ओल्ड वो कोटा से कराची 750 किलोमीटर और फिर कोटा फिर सिंध सूबे सिंध से लेकर मुस्लिम पंजाब मुस्लिम पंजाब अभी वो राहुलपिंडी में इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं 2000 किलोमीटर साउथ एशियन में ये पहला पीसफुल Mm -hmm. मार्च है इंसाफ के लिए right. अपनी ह्यूमन राइट्स के लिए और आज वो मजबूर हुए हैं जिस तरह आपने कहा mm -hmm. वो आज यही फैमिली मजबूर हैं वो कहां जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन के ऑफिस के सामने right. वो अपना मेम, मेमोरेंडम दे रहे हैं ठीक. और इसके अलावा वो चाहते हैं कि जितने भी एम्बेसीज हैं right. जितने भी सफारतकार हैं एम्बेसडर्स हैं उनको भी उनकी कोशिश है कि अपनी आवाज इंसाफ की पहुंचाए तो ये सिचुएशन है हमारी right. वेल well, uh, बड़ा अफसोस है जी कि ये जो आपने बातें की हैं कि आज इस इक्कीवी सदी में भी हर तरफ यही चीज़ जो है भारू हो रही है आज यही करते हैं और शुभकामनाएँ है देती हैं हम आपको कि ये जो समस्या इसका कोई अच्छा हल निकल सके ताकि वो जो लोग हैं वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जो है बिता सकें विध बेसिक्यूमर राइट थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेष